है द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 6 वोल्ट. एक सेल हम बना लेते हैं जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट है. ऐसे भी लाइन अच्छी खींच लेता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है. परफेक्ट. इसका जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट है. व्हेन टू एम्पीयर करंट इज ड्रॉन, करंट ड्रॉन का मतलब है करंट बाहर निकल रही है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है. वर्ड से क्लियर हो जाएगा डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है. तो यहां पे डिस्चार्ज हो रहा है. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज 3 वोल्ट. तो टर्मिनल अगर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका सेल का होगा. कल जो मैंने बताया था कि इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. और सेल अब बना देता हूँ, सेल ये पूरा बॉक्स हो जाएगा ना. अभी बॉक्स का मैं रेक्टेंगुलर नहीं बना रहा हूँ, बॉक्स ऐसे ही समझ लो. तो ड्रॉन का मतलब है करंट ऐसे, और ऑब्वियसली इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी पॉजिटिव. और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नेगेटिव. ठीक है, तो ठीक है. ईएमएफ 6 वोल्ट है, 2 एम्पियर करंट, करंट जो ड्रॉ हो रही है 2 एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स मतलब V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये पूछ रहा है. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक चीज याद रखो, डिस्चार्जिंग में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता वो E माइनस आई आ रहा था, और चार्जिंग में E प्लस आई आ रहा था. मगर रटना कुछ भी नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा. ठीक है, वो न्यूमेरिकल करके देखा तो E प्लस आई आ रहा है, तो रटना कुछ भी नहीं. ठीक है, चलो बेसिक से करते हैं. कहीं से भी शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ से. अभी मैं इस बार यहाँ से शुरू करता हूँ. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट. जैसे यहाँ पे मैंने शुरू किया, यहाँ पे V नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ भी V नेगेटिव रहेगा. यहाँ पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है. तो ये करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो अपने समझने के लिए प्लस से माइनस बना दो. करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है. तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी माइनस. और पोटेंशियल कितना डिक्रीज करेगा, अगर आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आई इंटू आर के बराबर डिक्रीज कर जाएगा. तो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर. आर निकालना है तो यहां पर मिटा के आई की वैल्यू में 2 एम्पियर लिख दो. आई की वैल्यू 2 एम्पियर, तो यहां पे पोटेंशियल माइनस 2 इंटू आर हो गया. आर तो फाइंड ही करना है. फिर यहां पर देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और वही वी प्लस का भी पोटेंशियल होगा. यानी वी प्लस की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, वी प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी प्लस इज इक्वल टू V माइनस, क्योंकि यहां पर कितना था, V माइनस टू आर, और इधर से इधर गए तो प्लस और हो गया 6 वोल्ट, है ना. इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया, इस पॉइंट पे, यानी V प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, V माइनस टू आर, तो यहां तक हो गया था. फिर यहां से क्या, कितना इंक्रीज हो जाएगा, है ना, 6 वोल्ट के बराबर. बस इसमें यही कहानी है, बस बेसिक कहानी यही है, बस निकाल. तो V प्लस, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सब आ जाएगा. 6 माइनस 2 आर. कुछ लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस आई आर, वो भी सही है, बेसिक से करो तो ज्यादा अच्छा है. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज 3 वोल्ट, यानी V पॉजिटिव, V माइनस की वैल्यू 3 वोल्ट है. 3 वोल्ट है इज इक्वल टू 6 वोल्ट माइनस 2 आर. इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 आर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3 हो जाएगा. तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5.
ओम्स, यूनिट का ध्यान रखना, वोल्ट मत लिख देना। चलो